तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज द मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच। तो अब हमने जहाँ तक किया है वहाँ तक एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ब्रीफ या करना, हम लगातार ही ये फॉलो अप कर रहे हैं। देखो, तो हमने अभी तक ये कवर कर लिया है कि जो डिविडेंड थ्योरीज हैं ये दो तरह की होती है, एक रेलेवेंट और एक इररेलेवेंट। रेलेवेंट में हम वॉल्टर्स और गॉर्डन की कर चुके हैं, इररेलेवेंट में एक ही है, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। रेलेवेंट क्या बोलता है कि आप अगर डिविडेंड दे रहे हो या डिविडेंड नहीं दे रहे हो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर या वैल्यू ऑफ द फर्म, विल रिमेन द सेम, विल बी इफेक्टेड। कि मतलब अगर आप डिविडेंड दे रहे हो या डिविडेंड नहीं दे रहे हो, आपके डिसीजन से मार्केट वैल्यू इफेक्ट होगी, मतलब चेंज होगी। यहाँ पे अगर आप डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आपकी मार्केट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इररेलेवेंट शुरू कर रहे हैं और हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, हम दो पहले से ये वॉल्टर्स और गॉर्डन्स निपटा चुके हैं, लास्ट पार्ट रह गया है मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच। तो पहले इसके थोड़े एजम्पशंस देख लेते हैं, जैसे हम देखते आ रहे हैं। तो एजम्पशंस पहला assumption है there is no taxation, ये हमने capital structure में ही पढ़ा था, या flotation cost या transaction cost, ऐसी कोई cost है ही नहीं। असली में तो नहीं होता, पर model है तो model कुछ भी कह सकता है, assumption ले सकता है कुछ elaborate करने से पहले। मार्केट परफेक्ट है, कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, मतलब फुल नॉलेज है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। ठीक है ना, मतलब ये है कि ना तो बायर या ना तो सेलर ये इफेक्ट मार्केट पे नहीं डाल सकते, ये मतलब है परफेक्ट का। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल, ये एक परफेक्ट कंपटीशन का भी वो है, और सारे कंज्यूमर क्या है, रैशनल है और इन्फॉर्म्ड है, और कंपनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रेस कर सकती है। पहले तो नहीं था ये, पहले तो हम बोलते थे ओनली रिटेन अर्निंग्स से ही हम फाइनेंस कर सकते हैं, तो पर इसमें वो लिमिटेशन हटा दिया है। ठीक है, तो हम अब शुरू कर रहे हैं। इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला क्या है, देखो हमें इसमें P1 निकालना होता है। ठीक है ना, उसके लिए हमें चाहिए P0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के ई माइनस D1, वेयर P1 इज फ्यूचर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, P0 करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भैया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की बात करें तो इक्विटी होगा,
डी वन फ्यूचर्स डिविडेंड, और हमने डी वन निकालना पिछले में सीख लिया था, डी वन इज इक्वल टू डी ज़ीरो वन प्लस जी, ये हमने पिछले उसमें देख चुके हैं। पर फॉर्मूला इसमें हमारा ये है, ठीक है, ये तो ग्रोथ मॉडल का था, मैंने सोचा कि हल्का से याद दिला दूं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी वो आपसे वैल्यू ऑफ द फर्म करेंट भी पूछ लेगा, P1 मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बट करंट में क्या अगर पूछ ले तो फॉर्मूला आएगा N, फिर N मतलब टोटल एग्जिस्टिंग शेयर प्लस चेंज इन N, कितना चेंज हुआ एग्जिस्टिंग से, एडिशनल कितने ऐड करे, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। P1 फ्यूचर का क्या एक्सपेक्टेशंस है, माइनस न्यू इन्वेस्टमेंट प्लस एग्जिस्टिंग शेयर्स अपॉन वन प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, ये क्या है एडिशनल शेयर्स, और एडिशनल शेयर्स आएंगी कहाँ से, इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट कहाँ से डिडक्ट होगी, अर्निंग से, और पी वन क्या है फ्यूचर का मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस एट दी एंड, एक ही बात है कि एवरीवन नोस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट, जिससे ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक सेकंड मैं क्वेश्चन खोलता हूँ, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ से मैं मोदी गिलानी मिला अप्रोच थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, देखो इसमें लिखा है कि एक्स कंपनी ऑपरेट्स इन एन इंडस्ट्री विच कैरीज रिस्क एट द रेट ऑफ 12%, रिस्क इन सेंस दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। कि इसमें रिस्क की बात मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, और कितनी गिवन है 12%, दैट इज 0.12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता, ठीक है ना। करेंट शेयर्स दैट मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो मतलब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजिली सॉल्वेबल है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग शेयर्स ये है आपके 50,000 रुपये के, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या P0 हो जाएगा भाई, अभी कितने शेयर्स है एग्जिस्टिंग, कितने पे 100 पे, तो यही आपका MPS या P0 हो गया 100 रुपये, ठीक है। नेट इनकम एक्सपेक्ट्स टू हैव नेट इनकम, दैट मीन्स ये अर्निंग है, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ₹6,00,000, और न्यू इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, और डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेगी, बॉन्ड्स टू डिक्लेयर, बॉन्ड्स टू मतलब अभी डिक्लेयर नहीं किया है, दैट मीन्स ये फ्यूचर का डिविडेंड है, तो D1, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ो, ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो दैट वेदर पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ नोट अंडर MM अप्रोच, और हमें यही तो प्रूफ करना है। MM अप्रोच क्या कहती है, MM अप्रोच ये कहती है कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हो या डिविडेंड नहीं दे रहे हो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन द सेम, वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको इसमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम बनाओ, इसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, यहां पे डिविडेंड पेड और डिविडेंड
नॉट पेड, ठीक है। तो पहली आपके सबसे पहले आपको निकालना है कि पी वन कितना है, क्योंकि हमें पी जीरो पता है, हमें फ्यूचर अर्निंग भी फ्यूचर की दे रखी है, इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में होगी, तो हमें इसको रिलेट करने के लिए हमें फ्यूचर्स की पी वन चाहिए होगा। तो हमें पी वन की कैलकुलेशन करने के लिए पी जीरो वन प्लस के ई माइनस डी वन, ये फॉर्मूला ऊपर बताया। तो पी वन वेन डिविडेंड इज पेड, पी वन इज इक्वल टू पी जीरो कितना है 100, वन प्लस के ई कितना हो गया 0.12, और यहाँ पे माइनस 10, और यहाँ पे पी वन क्या आएगा 100, वन प्लस 0.12, और यहाँ पे तो डिविडेंड कुछ दिया नहीं, तो बस यहाँ पे ये ख़त्म। ये आपका आएगा 112 माइनस 10 102, और ये आएगा आपका 112। अब देखो ये आपका एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अब आपके पास, ये देखो कि अभी आपके पास अर्निंग कितनी है, ठीक है ना। अर्निंग आपके पास है, एक मिनट क्वेश्चन क्या था, अच्छा 60 लाख की अर्निंग है, नहीं हाँ 6 लाख की अर्निंग है और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अर्निंग कितनी हुई। अब देखो ये अर्निंग क्या दे रखी है आपको, ये लास्ट में जो बचता है ना रिमेनिंग, यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कितना रिटेन करना है, कितना डिविडेंड पेना है। अब ये अर्निंग जो है वो यहाँ पे 6 लाख रुपये, यहाँ पे भी 6 लाख रुपये, हमने डिविडेंड कितना पेड कर दिया, यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपये पर शेयर, ठीक है ना, ये 10 रुपीस पर शेयर है, और शेयर कितने हैं 5000, तो कितना माइनस 50000, मतलब ये आ गया 5,50,000। यहाँ पे तो हमने कुछ पे किया ही नहीं, तो निल 6 लाख रुपये। अब देखो अब हमें न्यू इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है, 10 लाख रुपये की न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। अब समझो आपके पास अर्निंग्स थी, अब कुछ आपने पार्ट डिविडेंड में दे दिया, कुछ पार्ट आपने रिटेन कर लिया, यही तो करते हैं। आपने डिविडेंड दिया 50,000 रुपये एक साइड में, ठीक है ना, और एक में बिल्कुल नहीं दिया। आपके पास अर्निंग कितनी थी 6 लाख रुपये, ठीक है ना। आपको न्यू इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है 10 लाख रुपये की। तो ये जो पैसे पहले बचे हुए हैं इसको इसमें से कम भी तो करोगे भैया, आपके पास जेब में पहले से इतने पैसे पड़े हुए हैं और आपको 10 लाख चाहिए, तो ऊपर कितने चाहिए 4 लाख ही, या पूरा 10 के 10 लाख, नहीं ना, पहले 6 लाख में से भी थोड़ा एडजस्ट करवाओगे भाई। पहले केस में डिविडेंड 50,000 रुपये दिया, तो पहले केस में रिटेन हम कितना करेंगे 5,50,000, दूसरे में कुछ दिया नहीं तो 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से जो बचा वो आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है ना। तो आपने न्यू इन्वेस्टमेंट क्या करनी है 10 लाख रुपये, तो यहाँ पे आपको और इन्वेस्टमेंट 4,50,000 की करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 4 लाख रुपये मात्र, ठीक है। अब देखो ये तो है रुपीज़ में अमाउंट, ठीक है ना, हमें अब इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डैट मीन्स हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एमपीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार बताओ अगर ये 4,50,000 है, तो शेयर में कितने का इशू करूँगा, जितनी मेरी मार्केट है वैल्यू होगी उसी प्राइस पे। तो प्राइस वन मेरा मार्केट की सिचुएशन दिखा रहा है, तो अगर मैं 102 डिवाइड इसे कर दूँ और इसको 112 से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे न्यू शेयर्स कितने इशू करने हैं, न्यू शेयर्स टू बी इशूड, तो 4,50,000 डिवाइड बाय 102, मुझे 4411.764 शेयर्स इशू और करने हैं, अगर मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, और उस केस में 4 लाख डिवाइड बाई 112, तो यहाँ पे मुझे 3571.4285 करने हैं, ठीक है। तो ये तो न्यू शेयर भी आ गए हमारे। अब
एग्जिस्टिंग कितने हैं, अब हमें वैल्यू ऑफ द फर्म देखनी है, एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर है 5,000 रुपये। ठीक है, ये टोटल शेयर्स आ गए। अब इसकी वैल्यू इस केस में कितनी है, 102, और इसकी है 112। अब एज पर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, आप डिविडेंड दो या डिविडेंड ना दो, ये वैल्यू ऑफ द फर्म होगी। जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगी, तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, जितना आगे पास शेयर कैपिटल है उसका कितना प्राइस है ना, वो बिल्कुल दोनों सेम होगी। चलो देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 9411.7647 × 102, तो ये मेरा कुछ आ रहा है 960,000। और अगर मैं 8571.4285 × 112 करूँ तो ये भी मेरा 960,000 आ रहा है, करके देख लीजिए आप। हेंस प्रूफ्ड कि मोदी एंड मिलर अप्रोच जो बोलते थे कि नो मैटर वेदर यू पे द डिविडेंड और नॉट, द वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन द सेम। यस, द वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन द सेम एज वी हैव सीन हियर। हमने यहाँ पे डिविडेंड पे किया तब भी हमारा 960,000 आई, डिविडेंड पे नहीं किया तब भी हमारी 960,000 आई। तो नो मैटर वेदर यू पे द डिविडेंड और नॉट, दैट विल बी इररिलेवेंट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो हमने स्टेप क्या किया, अर्निंग्स ली, अर्निंग्स में से कितना डिविडेंड दिया वो रिटेन अर्निंग होगी, फिर माइनस किया इन्वेस्टमेंट, जो हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी है उसको हमने शेयर्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने एग्जिस्टिंग शेयर प्लस करे, मल्टीप्लाई किया P1 से, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ये क्वेश्चन मैंने कराया। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच का कोई भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो मैंने एक बार ये क्वेश्चन जूम कर दिया, क्वेश्चन ये था। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक देखेंगे।